नवाजुद्दीन सिद्दीकी की किताब इन ऑर्डिनरी लाइफ को लेकर काफी विवाद हुआ है। यहां तक कि नवाज के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। इस सब के बाद उन्होंने अपनी किताब वापस लेने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए नवाज ने लिखा, मेरी किताब की वजह से जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे बेहद पछतावा भी है, इसलिए मैंने अपनी किताब वापस लेने का फैसला किया है। इस ट्वीट के 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न ने भी इस किताब को हटा दिया। महिलाओं के जिक्र से बढ़ी मुसीबत। गौरतलब है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस किताब में उन तमाम महिलाओं का जिक्र किया है जो उनके जीवन में आई। इनमें से कुछ एक्ट्रेस भी थी। एक्ट्रेस निहारिका सिंह ने नवाज के किए दावों को झूठ बताया और यह भी कहा कि नवाज ने अपनी किताब बेचने के लिए कहानियां गढ़ी हैं। यहीं से विवाद शुरू हुआ। खैर, यह तो रही किसी एक्ट्रेस की बात, लेकिन इस किताब में कई और महिलाओं का भी जिक्र है। बता दें, कुल मिलाकर 11 महिलाओं का जिक्र नवाज ने इस किताब में किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की किताब इन ऑर्डिनरी लाइफ को लेकर काफी विवाद हुआ है। यहां तक कि नवाज के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। इस सब के बाद उन्होंने अपनी किताब वापस लेने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए नवाज ने लिखा, मेरी किताब की वजह से जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे बेहद पछतावा भी है, इसलिए मैंने अपनी किताब वापस लेने का फैसला किया है। इस ट्वीट के 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न ने भी इस किताब को हटा दिया। महिलाओं के जिक्र से बढ़ी मुसीबत। गौरतलब है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस किताब में उन तमाम महिलाओं का जिक्र किया है जो उनके जीवन में आई। इनमें से कुछ एक्ट्रेस भी थी। एक्ट्रेस निहारिका सिंह ने नवाज के किए दावों को झूठ बताया और यह भी कहा कि नवाज ने अपनी किताब बेचने के लिए कहानियां गढ़ी हैं। यहीं से विवाद शुरू हुआ। खैर, यह तो रही किसी एक्ट्रेस की बात, लेकिन इस किताब में कई और महिलाओं का भी जिक्र है। बता दें, कुल मिलाकर 11 महिलाओं का जिक्र नवाज ने इस किताब में किया है। कॉलेज में फिर हुआ प्यार। कॉलेज पहुंचे तो नवाज को एक जाट लड़की से प्यार हो गया, जिसका नाम रजनी, काल्पनिक नाम था, लेकिन वह नवाज के दोस्त मोहसिन को पसंद करती थी। कुछ समय बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद नवाज को रानी मुखर्जी जैसी दिखने वाली लड़की प्रिया, काल्पनिक नाम, पसंद आई, लेकिन वे भी मोहसिन को पसंद करती थी। मोहसिन हैंडसम थे और नवाज उनकी तरफ से रजनी और प्रिया को लेटर लिखा करते थे। इसके बाद सब अलग अलग हो गए और आज अच्छे दोस्त हैं। तनिष्ठा चटर्जी को मैं बहुत पसंद करता था। नवाज को बॉलीवुड एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी भी बेहद पसंद थीं। उन्होंने लिखा है कि लगभग 4 महीने तक तनिष्ठा के ऊपर मेरा क्रश रहा, लेकिन वो किसी और को डेट कर रही थी। वहाँ भी मेरी बात नहीं बन पाई। तनिष्ठा NSD में नवाज की जूनियर थी। प्ले के दौरान हुआ प्यार। मुंबई में एक प्ले के दौरान सुजाता, काल्पनिक नाम, ने मुझे पसंद किया। अक्सर हमारा मिलना जुलना होने लगा। लगभग 1.5 साल तक हम एक दूसरे को मिलते जुलते रहे। फिर एक दिन उसने कहा, मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। 2006 से 2010 के बीच मैं एक्टर बन गया। इस दौरान मैं न्यूयॉर्क में रहने वाली सुहाना, काल्पनिक नाम, के साथ रिलेशनशिप में रहा। वीजा खत्म होने के बाद उसे न्यूयॉर्क जाना पड़ा। इसके बाद मैं निहारिका सिंह से रिलेशनशिप में रहा। इसके बाद मेरी जिंदगी में शिबा आई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उससे मेरी शादी होगी। मेरी शादी हो गई, हम 2 महीने तक साथ रहे और फिर तलाक हो गया। सेटलमेंट के तौर पर मैंने 3 लाख रुपए भी दिए। इसके बाद अंजलि से शादी हुई और उन्होंने अपना नाम बदलकर आलिया सिद्दीकी रख लिया।